हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की बिजनेस न्यूज स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहली न्यूज की। तो पहली न्यूज ये है कि जेफ बेजोस 20 जुलाई को स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं। ये और इनके साथ में इनके छोटे भाई जो है, ये लोग ट्रैवल करेंगे स्पेस में 20 जुलाई को। इनकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजन, उन्होंने जो है स्पेस शिप बना ली है, ठीक है। एंड ये लोग जो है 20 जुलाई को स्पेस में जाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो थे, ये बचपन से सपना देखते थे कि भाई मुझे स्पेस में जाना है, तो अभी इनका सपना पूरा होने वाला है। और उसके साथ साथ अभी ये अमेज़ॉन के सीईओ के जो पोस्ट है उससे रिटायर होंगे, ठीक है, उससे हट जाएंगे, और उसके बाद जो है मस्त स्पेस में जाने वाले हैं घूमने। तो भाई अब इतने पैसे कमा लिए हैं तो भाई पैसे तो खर्च करना ही करना है, तो अपने स्पेस में जाएंगे, उसके बाद लोगों को भी स्पेस में ये लोग घुमाने वाले हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो नीति आयोग ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10 से 10.5% तक बढ़ सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। मतलब 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है 10 से 10.5% तक बढ़ सकती है, ऐसा नीति आयोग ने बोला है। मेनली जो जीडीपी है वो 10 से 10.5% तक बढ़ सकती है। दोस्तों जो अगली खबर है वो ये है कि यहाँ पे चाइना का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 2011 के बाद अभी जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ इनका इम्पोर्ट बढ़ा है, ठीक है। 51.1% इन लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेनली चाइना वाले 51% तक प्रोडक्ट जो है वो बाहर से इम्पोर्ट किए हैं। एंड अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो इन लोगों ने 27.9% एक्सपोर्ट किया है मई में, ठीक है। तो मतलब मई में लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया, इतना ज़्यादा इम्पोर्ट किया है कि इन लोगों को ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 2011 तक का, ठीक है। 2011 में भी इतना ज़्यादा इन लोगों ने इम्पोर्ट किया था, ठीक है। बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे वैक्सीन्स के जो प्राइस हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया है। और यहाँ पे अगर आप को वैक्सीन लगाते हैं तो 1410 रुपये पर डोज आपको देने रहेंगे, सबसे हाईएस्ट जो रहेगा अगर पेड लगवाते हैं तो। और अगर आप जो है वो स्पुतनिक लगवाते हैं तो 1145 रुपीज़ ये मैक्स रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो 780 रुपीज़ पर डोज़ ये जो है वो मैक्स रहेगा। इससे ज़्यादा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपको चार्ज नहीं कर सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 150 रुपये से ज़्यादा भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले सकता है वैक्सीन का सर्विस चार्ज। मतलब मेनली वैक्सीन लगाने का जो चार्ज है वो 150 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल 150 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं ले सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर यह है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 40,700 करोड़ रुपये जो है वो असाइन किए हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए। मेनली ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा मूवमेंट था, जिसके बाद से हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा क्लीन हुई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 40,700 करोड़ रुपए इसके लिए असाइन किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। अगली जो खबर है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पे ऊबर जो है इंडिया में 250 इंजीनियर्स को हायर करने वाला है। मेनली इनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर तरीके से वर्क करने के लिए 250 इंजीनियर्स को ये लोग हायर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं और अगर आपकी जॉब चली गई कोविड में तो आप इसे देख सकते हैं। 250 तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं होता है, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ओला और उबर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में या तो ओला उबर को एक्वायर कर लेगा या तो उबर ओला को एक्वायर कर लेगा, देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल के लिए ये लोग 250 इंजीनियर्स हायर करने वाले हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है फिर से एक्वायर करने वाला है। किसको एक्वायर करने वाला है? जो डूंजो, ये एक मेनली डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ये प्रोडक्ट्स डिलीवरी का काम करते हैं, तो इन्हें ये लोग एक्वायर करने वाले हैं। अभी बिग बास्केट को इन लोगों ने एक्वायर किया था, अभी जो है ये लोग डुंजो को भी एक्वायर करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो जो कुछ नेक्स्ट न्यूज़ेज हैं वो हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप का एक और आईपीओ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अदानी विलमार का आईपीओ आ सकता है। अब आप बोलोगे अदानी विलमार क्या है? तो मेनली ये लोग फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे आप एक इनका सबसे नोन ब्रांड है, ठीक है, नोन ब्रांड है फॉर्चून, जो आप लोग फॉर्चून का ऑयल्स यूज़ करते हैं, फॉर्चून के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो अदानी विलमार के अंदर ही आता है। ये लोग अपना जो आईपीओ है वो 2021 में ला सकते हैं। $1 बिलियन ये लोग रेस करने वाले हैं, ठीक है। $1 बिलियन का आईपीओ इनका होने वाला है, मेनली 7,500 करोड़ का, ठीक है। तो देखते हैं कब इनका आईपीओ आता है, और उसके बाद ये भी देखने वाली बात रहेगी कि कितना इसमें लिस्टिंग गेन मिलता है। दोस्तों जो अगली आईपीओ की न्यूज़ है वो ये है कि सोना कॉमस्टार का आईपीओ आ सकता है जून 14 से इसका आईपीओ ओपन हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें इशू साइज़ की, तो 5,550 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज़ होने वाला है। इतने करोड़ का आईपीओ जो है वो सोना कॉमस्टार का आएगा। उसके अलावा एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो श्याम मेटेलिक्स का आईपीओ जो है वो 14 जून से ओपन होगा। यहाँ पे 1107 करोड़ इसकी पहले प्राइस होने वाली थी,
लेकिन यहाँ पे इसकी आईपीओ की जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गई है। अब पहले जो है वो 1107 करोड़ का होने वाला था, लेकिन अभी 909 करोड़ का आईपीओ इनका होगा। ठीक है, मेनली आईपीओ की थोड़ी जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गई, लेकिन 909 करोड़ का आईपीओ इनका होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़। बात करते हैं अगली खबर होगी, यहाँ पे बायजूस को परमिशन मिल गई है सीसीआई की, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर आकाश। ठीक है, मेनली पहले न्यूज़ निकल के आई थी कि बायजूस वाले आकाश को एक्वायर करने वाले हैं, तो अभी इनको परमिशन मिल गई है, तो बहुत जल्द इनकी डील हो सकती है। और जब ये डील होगी तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, कि कितने में डील हुई। प्राइस तो निकल के आई थी बट अभी कन्फर्म नहीं, कन्फर्म जब डील हो जाएगी तो उस टाइम आपको मैं बताने वाला हूँ। बात करते हैं अगली खबर की, तो यहाँ पर रिलायंस जो है वो इंडिया की फिफ्थ जो है वो ऐसा बिजनेस बन गया है, ठीक है, फिफ्थ कंपनी बन गई है जो 200,000 एम्प्लॉयज़ को अभी तक हायर की है। ठीक है, तो 200,000 एम्प्लॉयज़ इनके अंडर में काम करते हैं, और ये जो 200,000 एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली काम करते हैं। अभी इसके अलावा इनडायरेक्टली में भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बिकॉज कोई भी एक बिज़नेस होता है उसमें ऐसे होते हैं जो फिक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे काउंट होता है। अभी इसके अलावा होते हैं कि अनफिक्स जो होते हैं जो इनडायरेक्टली काम करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ बड़ी होती हैं तो ऐसे बहुत लाख लोगों को जो है वो जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की, तो यहाँ पे सेंटर ने परमिशन दे दी है कि जो भारत बायोटेक का प्रोडक्शन कैंपस है वहाँ पे CISF के जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करने की, मतलब वहाँ पे इनके जो प्रोडक्शन है वहाँ पे CISF की फोर्सेज रहेंगी मेनली प्रोडक्शन के लिए। अभी यार पहले जो आधार पूना वाला ने बोला था कि भाई मैं इंडिया में सेफ़ नहीं हूँ, इसीलिए वो लंदन चले गए थे बिकॉज उनके पास बहुत सारी कॉल्स वगैरह आ रही थी, तो इसी को देखते हुए वहाँ पे जो इनका प्रोडक्शन प्लांट है वहाँ पे CISF को डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पे प्रोडक्शन ये लोग देने वाले हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो फ़ोनपे ने जो है वो मार्केट को एक बार फिर से लीड किया है, मार्केट को फिर से एक बार डोमिनेट किया है। मई में जो है लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ोनपे यूज़ किया है, यहाँ पे 47.7% जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो फ़ोनपे के थ्रू हुई हैं। ठीक है, तो जितने भी ये UPI मनी ट्रांसफ़र वाला जितने भी यहाँ पे मार्केट लीडर्स हैं उसमें सबसे ऊपर फ़ोनपे है। जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई मई में उसका 47.7% जो है वो हुआ फ़ोनपे के थ्रू। तो आप क्या यूज़ करते हो, कौन सी सर्विस यूज़ करते हो मनी ट्रांसफ़र के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पर्सनली मेरा जानना चाहते हो तो मैं फ़ोनपे यूज़ करता हूँ और कभी कभार गूगल पे। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की, तो यहाँ पे चाइना की जो वैक्सीन है कोरोना वैक नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे जो 3 साल के ऊपर चिल्ड्रेन है उनको अब लगाया जाएगा। यहाँ पे मेनली परमिशन मिल गई है, जो 3 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन लगेगी। इंडिया में देखते हैं भाई कि अभी कब लगने वाला, अभी तो 18 से 44 वालों को लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि अभी मेरे ख्याल से 12 से 18 वालों को लगेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की, तो यहाँ पे मैक्स लाइफ और AIA, ठीक है, इन लोगों ने कंपलसरी कर दिया है कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप इनका टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको अपना कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जब आप कोविड का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी आप इनका इंश्योरेंस ले पाएंगे। तो आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी जगहों पे आपका कोविड का सर्टिफिकेट जो है, जो आपको वैक्सीन लगेगी, कोविड का सर्टिफिकेट मतलब कोविड की जो आपकी वैक्सीन लगेगी उसका सर्टिफिकेट हर जगह इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे ख्याल से ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखा जाएगा कि आपको वैक्सीन लगी कि नहीं, वहाँ पर भी सर्टिफिकेट होगा। ऐसी बहुत अदर अदर जगहों पर आपको हर जगह सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। बात करते हैं अगली खबर की, तो जोमैटो के IPO से पहले यहाँ पर जो आकृति चोपड़ा, ठीक है, उनको जोमेटो का फाउंडर बना दिया गया है। ऐसे अदर भी बहुत सारी कंपनीज कर चुकी हैं बट यहाँ पे आकृति चोपड़ा को जोमेटो के IPO से पहले यहाँ पे उनको फाउंडर बना दिया गया है। दोस्तों जो अगली खबर है वो ये है कि इन्फोसिस ने यहाँ पे 4 स्टीव अवार्ड्स जीते हैं। कहाँ पे जीते हैं? अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स में। ठीक है, ये एक मेनली अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स होता है जहाँ पे इन्फोसिस को 4 स्टीव्स अवार्ड मिले हैं 2021 में। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेट्स आते हैं जिसमें से भाई इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे इन लोगों ने अवार्ड्स जीते हैं। तो अगेन इंडियन कंपनी जब कुछ भी अच्छा करती है, कुछ भी नया अचीव करती है, तो इसलिए मैं इंक्लूड करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत पे जो है वो ICC का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है अगले 3 सालों के लिए। मेनली भारत पे एक नया स्टार्टअप है मेनली ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए, तो ये लोग जो है ICC के 3 साल के लिए पार्टनर बन गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो मारुति सुजुकी ने यहाँ पे मई में 40,924 ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर किया है, 40,924 ऑटोमोबाइल्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है मई में। एज ऑलवेज मई में बहुत सारे प्लांट्स बंद हो रहे थे या फिर बहुत लिमिटेड कैपेसिटी पे चल रहे थे, इसीलिए प्रोडक्शन की बहुत कम हुई है। अभी फिलहाल के लिए लोगों ने 40,924 ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर किया है मई में। देखते हैं जून में ये लोग कितनी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बिकॉज अभी जो है लॉकडाउन खुल चुका है एंड इन लोगों की प्रोडक्शन भी है वो भी चालू हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो यहाँ पे भारत
बायोटेक जो है कोवैक्सीन का फेज 3 का जो रिजल्ट का डेटा है वो जुलाई में डिक्लेयर करने वाला है। जुलाई में कोवैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी डेटा जो है वो डिक्लेयर होगा कि कितना एफिशिएंसी है, क्या सारी किस एफिशिएंसी पे ये काम करता है। तो जुलाई में जो है फेज 3 का जो ट्रायल हुआ था, ठीक है, उसका डेटा आने वाला है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इंडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कोवैक्सीन बहुत बढ़िया है, कोवैक्सीन बेटर है कोविशील्ड से। ठीक है, तो ओवरऑल सब बेटर है, बट यही है अभी कोवैक्सीन का उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। और लोग मतलब अब भाई मोदी जी को कोवैक्सीन लगी तो वो बढ़िया है, तो भाई लोग आजकल यही कहते हैं। और आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की जो हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट को DGCI की परमिशन मिल गई है टू प्रोड्यूस स्पुतनिक वैक्सीन इन इंडिया। ठीक है, तो मेनली सीरम इंस्टीट्यूट भी अब स्पुतनिक वैक्सीन को प्रोड्यूस करने वाला है इंडिया में। भाई जितनी भी कंपनीज है भाई जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करो एंड इंडियंस जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सके। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे ओयो, एयरबीएनबी, इज माई ट्रिप और यात्रा, ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं? बिकॉज अभी लॉकडाउन में यार बहुत सारे जो छोटे होटल्स हैं, मीडियम होटल्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत अदर भी बिजनेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मेनली ट्रैवल में। ठीक है, तो ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इनको प्रॉफिट देने के लिए, इनके साथ में वर्क करने के लिए, ताकि जो लोग इनको इतना लॉस हुआ है वो लोग लॉस से रिकवर कर जाएँ। ठीक है, तो ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, अच्छा काम है भाई। जो बिजनेसेस इतने लॉस में गए उनको थोड़ा प्रॉफिट बना सके, प्रॉफिट मेनली जो लॉस में गए बिजनेस उनको प्रॉफिट मेकिंग बना सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बिजनेस न्यूज़ का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग आउट।